लिवरपूल वर्सेस बोर्नमथ का मुकाबला और एनफील्ड पे खेला गया मैच, और चैंपियंस लीग के मैच के बाद में होम पे मैच था हमारा, और 3-0 की स्कोरलाइन से हमने मैच जीता है। काफ़ी अच्छी स्कोरलाइन देखने को मिली हमें, और जो दो प्लेयर्स जिनका आप बोल सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ या फिर काफ़ी जिन पर ज़्यादा बातचीत की गई थी, उन दोनों ने यहाँ पर स्कोर करके दिया हमको। दो गोल लुइस डियाज ने किए यहाँ पर, और क्या गोल किए, मतलब शानदार तरीके से उन्होंने यहाँ पर फिनिश किया। और उसके बाद में नूनेस का गोल देखने को मिला हमें, और नूनेस के साइड से हम बोल सकते हैं कि हम काफ़ी क्रिटिकल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बोलते भी हैं, बात भी करते हैं। और आज हमने देखा भी हुआ कि स्टार्टिंग 11 उनको जगह दी गई थी यहाँ पे, और पिछले मैच में भी आप देख सकते हैं, एसी मिलान वाले मैच में भी आए थे तो ऑफ साइड देखने को मिला उनके साइड से। बट आज इस तरीके से उन्होंने गोल किया, और बाद में उन्होंने जो उनके इमोशंस हमको देखने को मिले, तो हमें कि ये प्लेयर के ह्यूमन साइड बाकी चीज़ें देखने को मिलती है। हमारे लिए 90 मिनट का गेम होता है, बट कैसे एक प्लेयर मतलब कि मेहनत करता है, मतलब कि डे इन डे आउट जो है प्रैक्टिस करता है, और टीम में उनको आज जगह मिली और उन्होंने फिनिश भी करके दिखाया, यहाँ पे गोल मार के दिखाया। इमोशनल हुए वो यहाँ पे, और एक अच्छा मतलब आप बोल सकते हैं कि इन दोनों प्लेयर्स के द्वारा प्रदर्शन देखने को मिला हमें। जैसे इन्होंने मतलब कि कोपा अमेरिका में खेला था, लुइस डियाज तो वही अपना फॉर्म लेकर के आए हैं। जैसे उन्होंने पहला गोल मतलब फिनिश किया, क्या ही शानदार मतलब कि पास दिया कोनाटे ने वहाँ पे, और दूसरा गोल जिस तरीके से फिनिश किया, क्या ही शानदार पास है बोल सकते ट्रेंड का वहाँ पे था। और ये जितने भी प्लेयर्स आप बोल रहे, नूनेस हों, साला हों या फिर डियाज हो, हमारे फ्रंट थ्री काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं। जोटा को थोड़ा आराम दिया गया था जहाँ पे, केजा आप बोल सकते हैं उनका एनफील्ड पर डेब्यू देखने को मिला हमें। उन्होंने भी मतलब कि शुरुआती 10 सेकंड में आकर के डिफेंडर को यहाँ पे छकाया, हालांकि उनका जो है वो पोस्ट पे लगा उनका वो जो था जो उन्होंने शॉट लिया था, बाकी उनको देख के भी काफ़ी अच्छा लगा आज। और जिस तरीके से आज बाकी प्लेयर्स खेले हमारे, ग्रैम बच हों, रॉबर्टसन हों, ट्रेंट हो, कनाटे हों, मंडाई को ऑलरेडी मतलब इन लोगों का गेम अच्छा देखने को मिलता है हमें। एलिसन की इंजरी थी, केलर का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा देखने को मिला हमें, केलर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिया है। वो प्लेयर कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बाकी प्लेयर्स का परफॉर्मेंस आने के बाद में मतलब कि हम हो सकते हैं एलिसन हो, केलर हो, तो गोलकीपर का हम थोड़ा मतलब कि परफॉर्मेंस उस तरीके से अप्रिशिएट नहीं कर पाते, बट आज उन्होंने काफ़ी अच्छी कीपिंग भी करी, आज देखने को भी मिली काफ़ी अच्छी कीपिंग उनकी साइड से। और आज मतलब इन दो प्लेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि इन्होंने मतलब डिलीवर करके दिया फाइनली। काफ़ी ज़्यादा डूनेस का बोल सकते हैं कि क्रिटिसिज्म होता है, हम क्रिटिकल रहते हैं, लोग हमारे फैंस भी रहते हैं, हम भी रहते हैं, मैं भी काफ़ी ज़्यादा बोलता हूँ उनको, और वो मतलब कि देखने को मिलता है हमें कि कैसे एक प्लेयर जो है मतलब कि उसके ऊपर चीज़ों का असर पड़ता है। और फिर भी मतलब कि वो प्लेयर डटा रहा, खड़ा रहा, और आप देख सकते हैं कि रिजल्ट हमको देखने को मिला अच्छा, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मतलब कि मेरे लिहाज से मतलब देखने को मिला हमें कि लुइस डियाज ने और मतलब कि नूनेज ने यहाँ पे गोल किया है, और काफ़ी शानदार तरीके से फिनिश किया आप बोल सकते हैं, बैंगर मारा मतलब कि नूनेज ने, क्या ही मतलब कि मज़ा ला दिया आज मतलब कि जो 3-0 की स्कोर देखने को मिली हमें। तो मैच में इतना ही था, थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।